कमिश्नर और हमारे चेयरमैन सुरेश चौहान के जोड़ रहे हैं, उनको उनसे बात करेंगे। ये दो मेहमान हमारे साथ रहेंगे इस वक्त, लेकिन पहले संजय के पास चलेंगे, उनसे बात करेंगे। संजय, एक बड़ी खबर, सुदर्शन न्यूज की मुहिम का एक बड़ा असर कह सकते हैं। जी साफ है कि सुदर्शन न्यूज का ही असर है कि अकबर उद्दीन कुरैशी को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि लगातार अगर 10 दिनों की बात करें तो हमारा चैनल जो है इस पूरी खबर को फॉलो कर रहा था, हमने इस मुद्दे को उठाया था और हम ही ने ये दिखाया था कि आखिर उसके भाषण किस तरीके के, कितना देशद्रोह और कितना कह सकते हैं कि देश को बांटने वाले भाषण थे, और कहीं ना कहीं इस गिरफ्तारी में काफी देर किया है पुलिस ने, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए की कहावत के हिसाब से भी मान लें तो अब अकबर उद्दीन ओवैसी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। जी कह सकते हैं कि सुदर्शन न्यूज की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला है इस पूरे घटनाक्रम में। जी हालांकि दो दिन का पॉलिटिकल ड्रामा रहा, लेकिन इसके बाद आखिरकार उसे गिरफ्तार किया, दबाव में गिरफ्तारी माने, हमारे दबाव के नीचे गिरफ्तारी, मजबूरी या फिर एक अच्छी और सच्ची कार्रवाई, क्या कहेंगे? जी साहब है कि ये दबाव में गिरफ्तार हुई, जब मीडिया और हमने दबाव बनाया, पूरी तरीके से दबाव बनाया गया है, पूरे कह सकते हैं कि केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक पे दबाव बनाए, तभी जाकर ये गिरफ्तारी संभव हुई। क्योंकि आप देखिए कि रविवार की रात को ओवैसी जो है भारत आता है, उसके बाद से वो बीमार होने का बहाना करता है और जिस तरीके से दबाव बनाया जी सामने आया। संजय बने रहे हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे चीफ एडिटर और हमारे चेयरमैन सुरेश चौहान के, उनके पास चलेंगे। सुरेश जी, सबसे पहला सवाल, हमने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया, आपने जिस तरह से बिंदास बोल में लोगों के सामने बेखौफ होकर निडर होकर इसे सबके सामने रखा, एक एक तथ्य को लोगों के सामने रखा, एक एक तस्वीर को जिसे कोई आज दिखाना तक नहीं चाह रहा, कोई लोगों के बीच लाना नहीं चाह रहा, ये एक बेखौफ और निडर वाली बात रही, इसका परिणाम, इसका इनाम कह सकते हैं इसे? बिल्कुल, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इसने जो गुनाह किया है वो केवल अरेस्ट से, अभी तो केवल उसको पुलिस ने उठाया लिया है जी। इतने से बात नहीं बनेगी, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए उसका एक काम मुकदमा होना चाहिए। मैं इसमें जरूर बताना चाहूंगा, मैं सारे दर्शकों का आभारी हूं सुदर्शन के, जिन्होंने मजबूर किया सरकार को ये कार्रवाई के लिए। सुदर्शन के बिंदास बोल में लोग फोन करते थे और इस चैनल को देख के लोगों ने वहां के मुख्यमंत्री को, वहां के पुलिस प्रमुख को और भारत के गृह मंत्री को परेशान किया फोन कर करके कि इनको अरेस्ट करो, नहीं तो इसकी रिएक्शन होगी। आज जब ओवैसी के भाई जो सांसद है दिल्ली में, उनके घर पे हमला हुआ, तब मैंने कहा था, मैंने ट्वीट किया था कि अगले कुछ घंटों में अब अरेस्ट होगा, क्योंकि इनको पता है कि अब लोग जाग चुके हैं और अब अटैक होना शुरू हुआ है। अगर अगला अटैक, पहला अटैक दिल्ली में हुआ, अगला अटैक अगर ओवैसी के घर में हैदराबाद में होता तो बची बचाई इज्जत चली जाती, इससे अच्छा है छुपने के लिए। मैं कहता हूं पुलिस ने अरेस्ट करके इसको बचा लिया है, पुलिस इसको कार्रवाई करने के लिए नहीं अरेस्ट कर रही है, बल्कि देशभक्त अब जाग गए हैं, ये उसके मार से बचाने के लिए इसको अंदर रखा हुआ है, मैं ये कहूंगा। दूसरा, जितना ये स्टाइल में भाषण करता था और लादेन से भी बड़ा मुसलमानों का हीरो होने की स्टाइल दिखाता था, 15 मिनट पुलिस को दूर करो कहता था, उसी पुलिस संरक्षण में 2 दिन से भाग रहा है, उन्हीं पुलिस संरक्षण में छुप रहा है, और 15 मिनट में 100 करोड़ को मारने की बात करने वाला पुलिस के हरे से 2 दिन बीमारी का नाटक करके छुप रहा है, इससे बड़ी कायरता क्या हो सकती है जो 25 करोड़ को पीछे लाने की बात करता है। अब तो 25 लोग भी इसके पीछे नहीं जाएंगे। जी ये जानना चाहेंगे सुरेश जी आपसे कि जिस तरह से 2 दिन का ड्रामा रचा गया, एक छोटा सा सवाल, इस 2 दिन के ड्रामे के पीछे क्या देखते हैं आप? क्या ड्रामा है? देखिए, भारत के कानून की धज्जियां उड़ाई गई जी, मुझे शर्म आती है आंध्र प्रदेश पुलिस पर, वहां के मुख्यमंत्री पे जी, मुख्यमंत्री के पायजमे गीला होने की बात की एक विधायक ने, और इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री फिर भी चुप बैठता है जी। जब ये एयरपोर्ट पर आया तो इसने जमीन पर पैर रखने के पहले इसके पैर को पुलिस कस्टडी में रखने की हिम्मत वहां के मुख्यमंत्री में होती। तो उसको मर्द मुख्यमंत्री कहते हैं। बिल्कुल सही बात। क्या पुलिस है? उसको संरक्षण लेके अंदर आ गई और टी शर्ट पहले, जैसे क्रिकेट मैच वर्ल्ड कप जीतकर आई है ऐसे स्टाइल में तो हैदराबाद एयरपोर्ट पे आया, उसके बाद वही पुलिस उसको घर पे लेके गई। कानून कहता है कि अगर जो गुनेगार है वो बीमार है तो उसको अरेस्ट करो, कोर्ट पे पेश करो, कोर्ट उसको हॉस्पिटल